मैं इससे पहले अबू धाबी में था, 10 साल का जॉब किया अबू धाबी में, और अबू धाबी से पहले मैं था मुंबई में, लोनावाला खंडाला में भी मैं 10-12 साल रहा। तो अभी हमने सोचा कि अपने पहाड़ों में रह के यहीं पे कुछ किया जाए। अच्छा, हम पहुंच चुके हैं हमारी आखिरी डेस्टिनेशन धनौल्टी में। ठीक मेरे यहाँ इको पार्क धनौल्टी है, जो कि काफ़ी इको सुंदर है। लोग जब यहाँ आते हैं धनौल्टी तो इको पार्क तो जाते ही जाते हैं। साथ ही मेरे राइट हैंड साइड पे काफ़ी ज़्यादा टी स्टॉल्स हैं। वो कहा जाता है ना कि पहाड़ों में मैगी का कुछ अलग ही स्वाद होता है, वहीं यहाँ पे कुछ टी स्टॉल्स लगे हुए हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कितने टाइम से यहाँ है और दिन की कमाई तकरीबन कितनी हो जाती है। आखिर ये तो धनौल्टी आके बनता है। सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम है जी हुकम सिंह पुंडीर। हाँ जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, लोकल। अभी हाल ही में मतलब 8-1 महीने मेरे को यहाँ पे हुए हैं। मैं इससे पहले अबू धाबी में था, 10 साल का जॉब किया अबू धाबी में, और अबू धाबी से पहले मैं था मुंबई में, लोनावाला खंडाला में भी मैं 10-12 साल रहा। तो अभी हमने सोचा कि अपने पहाड़ों में रह के यहीं पे कुछ किया जाए। अच्छा, आपने कहा कि आप मुंबई में थे, अबू धाबी में भी थे, तो कैसे ख्याल आया कि अब जी अपनी वादियों में उत्तराखंड में वापस लौटना है? नहीं, हमारे कुछ ऐसे कुछ वो थे कि हमने सोचा कि अभी यहीं पे कुछ किया जाए, कुछ छोटा मोटा कुछ काम किया जाए। तो इस साल अभी हमें यहाँ पे अभी 1 साल तो पूरा हुआ नहीं मुझे। अच्छा। मुझे अभी यहाँ पे अभी 8-1 महीने हुए, 8-9 महीने हुए मात्र। तो अभी एक सीजन में निकाल के फिर एकदम जगली बता सकते हैं कि यहाँ पे मतलब किस तरह का काम वगैरह चलता है। तो हमें अच्छी खासी ये है कि मतलब अच्छे यहाँ पे लोग आते हैं, कई सारी जगहों से आते हैं, बॉम्बे से, पूना से, और हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, गुजरात से भी कई सारे लोग आते हैं। तो 1 साल जब हमें यहाँ पे पूरा हो जाएगा तो पता चलेगा कि यहाँ के बारे में कि अच्छे से मतलब क्या क्या। अच्छा, जैसे बहुत कम टाइम हो गया आपको यहाँ पे, उस छोटे से टाइम पीरियड का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ठीक है, अभी तक तो अच्छा चल रहा है। अच्छा। जब तक यहाँ पे बाहर के लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, तो हमें लगता है कि अच्छा होगा, आने वाले टाइम भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा। ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ों में मैगी का स्वाद कुछ और ही होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? प्लेन में तो मैगियाँ बनती है। यहाँ का जो मेन चीज़ है, यहाँ का जो वातावरण है और जो यहाँ का जो पानी है, उसमें कई सारी जड़ी बूटियों से बना हुआ पानी है ये, तो उसके कारण मुझे लगता है कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे मैगी खाना। तो इस जहाँ तक मेरा अनुभव है कि मुझे लगता है कि पहाड़ों में जो मैगी है तो यहाँ का जो हवा पानी के ही कारण ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। अच्छा। मेरा नाम नवीन उनियाला है। जैसे जैसे उन भी उनसे बात करी तो उन्हें काफ़ी कम समय हुआ है यहाँ पर। आप कितने समय से हैं? मेरे को तो काफ़ी समय हो गया मैम, यहाँ पे करीबन 12-13 साल हो गए। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो आप बेसिकली है कहाँ से? प्रॉपर यहीं से है, प्रॉपर धनौल्टी से है। धनौल्टी से? हाँ, प्रॉपर धनौल्टी में रहते हैं, मार्केट में हमारा घर है और यहाँ पे काम करते हैं। कैसा रहता है, कमाई वगैरह सब सही अच्छे से हो जाती है? हाँ, कमाई वगैरह ठीक से हो जाती है, अपनी दिहाड़ी से ही उठ जाती है। और तो टूरिस्ट भी इस टाइम तो कम आ रहा है। हाँ। लेकिन वीकेंड में काफ़ी टूरिस्ट आता है।